आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के रामनामी समाज की। यह एक ऐसा समाज है जिनके भक्ति के आगे दुनिया के सारे भक्त नतमस्तक हैं। इनके आंख, नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर, पेट, पीठ हर जगह पर राम राम की लेख लिखी होती है। यहाँ तक कि कई लोग जुबान में भी राम राम की गुदना बनवाए हैं। पहले समाज के लोग रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ जिला में निवास रखते, किंतु अब इनकी संख्या काफ़ी कम हो चुकी है और ये लोग सारंगढ़, बिलाईगढ़ जिला में ही ज़्यादा देखे जा रहे हैं। हालांकि कुछ अन्य जिले में भी इनकी संख्या बताई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि 1860 में उच्च जाति के लोगों ने इन्हें मंदिरों में प्रवेश करने नहीं दिया था, तो इन लोगों ने अपने पूरे शरीर पर ही राम राम लिखवा लिया। इस बारे में लोगों की अलग अलग राय है। रामनामी समाज के लोग बताते हैं वह निर्गुण और निराकार राम की उपासना करते हैं। उनके मंदिरों में मूर्तियां नहीं होती और अपनी बोलचाल में राम राम शब्द का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लोगों से मिलने, बिछड़ने और अभिवादन करने में भी राम राम ही बोलते हैं। उनके द्वारा पहने जाने वाले कपड़ों में भी राम राम लिखा होता है और सिर में मयूर के पंख से बनाई गई विशेष प्रकार की मुकुट धारण करते हैं, उस पर भी राम लिखा रहता है। आश्चर्य की बात तो यह है कि बड़ी संख्या में पूरे रात भर एक ही जगह पर बैठकर एक ही बातों को गाते रहते हैं, राम राम का ही जाप करते हैं। साथ ही रामचरितमानस की चौपाई और दोहा भजन का प्रमुख आधार होता है। उसके अलावा कोई दूसरा भजन या गीत ये लोग नहीं गाते। इनके वाद्य यंत्रों की बात की जाए तो घुंघरू के अलावा किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्रों का ये इस्तेमाल ही नहीं करते। यानी कि जो प्रथा सैकड़ों साल पहले शुरू की गई थी आज भी उसी रूप में गतिमान है। रामनामी समाज के लोग पूरे तरीके से सादगी जीवन बिताते हैं, मांस मदिरा जैसे चीज़ों को छूते तक नहीं। हर वर्ष अलग अलग गांव में इनकी विशाल रामनामी बड़े भजन मेला का आयोजन होता है। ऐसा बताया जाता है अब तक 100 से ज़्यादा गांव में बड़े भजन मेला का आयोजन हो चुका है, पर किसी भी गांव में एक से दोबारा मेला का आयोजन नहीं हुआ है। रामनामी समाज के लोग उन्हें रामचरितमानस की सारी चौपाई और दोहा कंठस्थ याद है। बने जिला प्रमुख व ब्लॉक प्रमुख रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सबसे बड़ी न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के साथ जुड़ने का। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।